सारा कुछ प्री ऑर्केस्ट्रेटेड है, प्री डिसाइडेड है, प्री ऑर्डेंड है। स्क्रिप्टिंग भी, जो सारे फैसले भी पहले के लिखे जाते हो, पचास पचास सफ़ों के, सत्तर सत्तर सफ़ों के फैसले दो दो घंटे में लिख के आ जाते हैं, तो वो सही, कैसे, मैंने सारी जिंदगी हो गई है लिखते रहते हैं भाई, मैं तो दो पेजेस इतनी नहीं जल्दी लिख फैसला सकता, नहीं लिख सकते दो आप। घंटे में दो पेजेस नहीं लिख सकता, तीन पेजेस नहीं लिख सकता, तो ये 70 पेजेस के फैसले कहाँ दो दिन दो घंटे में लिखे लिख के आ जाते हैं। तो ये मतलब एक रिडिकुलस है। इन्होंने जुडिशरी की जो स्टेटस थी वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है, कि वो लोग हैं जिन्होंने कि मिलिट्री टेक ओवर उसको लिजिटिमाइज किया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की कॉइनेज की हुई है इन्होंने, उसके अलावा जो उसके बाद भी जितने भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हैं, सारा कुछ है, लेकिन कभी इतनी गिरावट का जुडिशरी शिकार नहीं हुई थी जितनी कि अब इन तीन फैसलों के बाद गिरावट का शिकार हो चुकी है। ये बड़ी पेनफुल चीज़ है, क्योंकि हमने इसी मुल्क में रहना है और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास जाके अपने हमने अपने लिए रिप्रीव तक बिल्कुल मांगनी है। तो बिल्कुल अगर ये इंस्टीट्यूशन जो कि की इंस्टीट्यूशन द वन ऑफ द थ्री पिलर्स, जुडिशरी इज वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ द स्टेट, वो अगर ऐसा की इंस्टीट्यूशन जो है वो दिक्टात के ताबे हो जाता है, तो वो फिर क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं उस मुल्क से, उस सही रियासत से, क्यों लोग यहाँ रहेंगे? तो सही मेरा ख्याल है कि मैं बार बार ये बात करता हूँ, लेकिन मैं फील करता हूँ कि यही एक बात है जो कि करने वाली है, कि लोगों को चाहिए कि जो ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जरा यार थोड़ा सा जरा यू नो टेक अ स्टेप बैक और कूल देखें डाउन कि हो जाए हाँ कूल थोड़ा। डाउन, यहाँ देखें कि ये मुल्क को किस तरह पुश कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तबाही के दहाने के ऊपर तो खड़ा हुआ है ये। और जब जहाँ जिस मुल्क से आवाम को, लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि जहाँ लोग जनरेशन्स लग जाती हैं उनको, यू नो कि उनकी सही सुनवाई नहीं होती, उनकी तारीख मुकर्रर नहीं होती, बिल्कुल और बिल्कुल जहाँ इनको इनके इनको ऑर्डर मिलता है वहाँ ये 2 घंटे में तारीख लगा देते हैं और काम भी कर देते हैं, बिल्कुल फिर बारह उसको यू बारह नो घंटे समाप्त करते हैं, दुमा चौदह समाप्त चौदह करते हैं, घंटे समाप्त हो रात जाती है, 12-12 बजे तक समाप्त हुई, अदालत 8 बजे लगती शुरू है। करके 12 बजे तक, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी कि इतनी लंबी समाप्त हुई हो। तो तो हमेशा 12 बजे से अदालतें तो खुलने का लग गया था, बिल्कुल वो भी आप शुरू हो गया। देखते आए हैं, समझते आए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को, सियासी तारीख को, तो क्या फिर ये अदालतें हमेशा सहूलत कार होती हैं, चाहे इलेक्शंस हों, चाहे इलेक्शंस मैनेज करने हों, या इतने बड़े सियासी फैसले देने हों, अदालतें तो फिर सहूलत कारी करती हैं। आसमा, जुडिशरी सबसे बड़ी सहूलत कार रही है इस मुल्क में एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी की, सबसे बड़ी। देखिए तारीख, यूब को इन्होंने लेजिटिमाइज किया, ठीक है, याह्या को किया, ज़िया को किया, मुशर्रफ को किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिरेलमेंट की इन्होंने, हुकूमत के कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत के फैसलों के ऊपर सवालिया निशान उठाए इन्होंने, और जहां और जो मतलब करप्शन का तो आलम ही कोई नहीं है, खासकर लोअर जुडिशरी में आप जाके देखिए, आपको बिल्कुल अगर तारीख लगवानी है तो आप पैसे देंगे पैसे तो देंगे तारीख तारीख लगेगी, उसको नहीं और होगा, दादा और पोता अदरवाइज तारीख ही नहीं लगेगी आपकी अगली भुगतते जनरेशन रहते। आपकी आ जाएगी, उसकी अगली जनरेशन आ जाएगी, तारीख नहीं लगेगी। तो चाहिए जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं ना वहां, वो जो ऊंची जगह के ऊपर बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी में बैठते हैं, उनको चाहिए कि इतने इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ करें। उनको लाइव टेलीकास्ट का तो बहुत शौक है, जबकि वो बोलते नहीं देते लॉयर को, वो खुद ही बोलने अपनी आवाज के आशिक लगते हैं, तो वो उस वही सुनना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली। जजेस कोर्ट रूम में नहीं बोलते, जजेस अपनी जजमेंट के थ्रू बोलते बिल्कुल हैं, कोर्ट रूम्स में वकीलों को बोलने दिया जाता है, वकीलों को नहीं बोलने देते। ये क्या हो क्या रहा है, तमाशा लगा हुआ है यहाँ, सही बात करें तो फिर मतलब पाबंदी लग जाती पाबंदी है लग जाती है। बिल्कुल।